अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू। ये पहले कभी आईआईटी जेई में पूछा गया था और उस क्वेश्चन का एक पार्ट जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है जो जेई में पूछा गया था पहले, पुराना वाला क्वेश्चन, वो जो है हमारे न्यूक्लियन के मटेरियल में भी था, है ना, उसी से ये सवाल है। उसका एक छोटा सा पोर्शन पूछा गया है, वो मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन था, इसमें जो है उसका एक छोटा सा पार्ट पूछा गया है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में बताया गया, व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्ट्राइक्स द सरफेस ऑफ अ मेटल ए, द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टी ए इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ए। ठीक, तो पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। होता क्या है कि जब फोटोन किसी मेटल से टकराता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम लोग लिखते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो कह सकते हैं कि फॉर मेटल सरफेस ए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी दिया गया है टी ए, ये जो एनर्जी है फोटोन की वो दिया गया है 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये फाई ए हो गया वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए। उसी तरह से एक दूसरा मेटल सरफेस है मेटल बी, उसके लिए बताया गया द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड फ्रॉम अनदर मेटल बी बाय फोटोन ऑफ एनर्जी 4.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज टी बी विच इज इक्वल टू टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसमें कहा गया है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो टी बी है, और फोटोन की जो एनर्जी थी वो 4.5 है, और ये वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर टी बी को कहा गया कि ये है टी ए माइनस 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक रिलेशन बताया गया। ठीक, अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, वो एक तरह से मैटर वेव जैसा बिहेव करते हैं, तो उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ जब हम लोग निकालते हैं तो एच बाई पी या एच बाई अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाल सकते हैं। ये कहाँ से आया, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर बाई 2m, तो P का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 2mk। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल A से निकलेंगे उनका वेवलेंथ लैम्डा ए लिखा जाएगा H डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू टी ए, टी ए जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी है, है ना। और जो मेटल B से जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे उनका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा बी आएगा एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m इंटू टी बी। ठीक, अगर इनका रेशियो निकालें हम लोग, रेशियो निकालेंगे तो लैम्डा ए बाई लैम्डा बी इज इक्वल टू अंडर रूट टी बी डिवाइडेड बाई टी ए, बाकी 2m और h जो है कैंसिल हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया गया है जो टी बी है वो है टी ए माइनस 1.5, टी ए माइनस 1.5 और नीचे है टी ए। ठीक, क्वेश्चन में एक और चीज बताया गया कि जो लैम्डा बी है वो 2 लैम्डा ए के इक्वल है, है ना। क्या बताया गया, इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स लैम्डा बी इज इक्वल टू 2 लैम्डा ए, देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी, ये वेवलेंथ का रिलेशन दिया गया है, तो ये मेटल बी का वर्क फंक्शन हमें फाइंड करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये कहा गया कि जो लैम्डा ए है, है ना, उसका 2 गुना है लैम्डा बी, तो इसको 2 लैम्डा ए लिख सकते हैं लैम्डा बी को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 और उधर आया है टी ए माइनस 1.5 बाई टी ए का रूट। तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.5 बाई टी ए।
ठीक। तो 1.5 बाई टी ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 4 यानी कि 3 बाई 4 ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो टी ए का जो वैल्यू आएगा है ना, टी ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ये आ गया। अब टी ए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया तो यहाँ से हम लोग 5 ई निकाल सकते हैं। ये जो टी वी है ये है टी ए माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 5 ई। तो टी ए आया है 2 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 माइनस 5 बी, ये है 0.5 आएगा 4.5 माइनस 5 ई। तो 5 ई का वैल्यू 4.5 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, तो मेटल बी का वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा।